हलके महेश्वर में ZPTC MPTC के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया। इस मौके पर उम्मीदवार अब्दुल्ला बिन अवद महेश्वरम के इलाकों में तरक्की देने का किया वादा, जैसे सड़कों के मरम्मती काम, सड़कों की तामीर, लाइट पानी की सहूलत और दीगर तरक्याती काम करवाने का दिया तयखून और जो तरक्याती काम करवाए गए इसकी तफसीलात बताई। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस के साबिक वजीर दाखिला सबिता इंदारेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। उम्मीदवारों अब्दुल्ला बिन अवद, यास्मीन बेगम और कांग्रेस के कारकुनान मौजूद थे। मेरे पाली शरीफ की आवाम, बलखसूस महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूएंसी की आवाम, जितने भी मेरे कैंडिडेट्स कांग्रेस पार्टी की तरफ से ठहरे हुए हैं, तमाम आवाम से गुजारिश करता हूं कि भरपूर मेजॉरिटी से वो लोग जिताए और हम वादा करते हैं कि सबसे पहले सारी महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूएंसी की मुसलमान भाइयों को अपील करता हूँ कि जितने भी मेरे कैंडिडेट्स ठहरे हुए हैं बम्पर मेजॉरिटी से जिताए वो लोगों को। और आज बहुत खुशखबरी की बात यह है कि हमारी मैडम सबिता इंदारेड्डी जो कृष्णा वाटर इंटिटी वाटर बोल के इंद्रम्मा हाउसिंग के अंदर डागरा ग्रुप स्कूल बिल्डिंग्स हॉस्पिटल्स जितने भी पेंशन जितने भी स्कीम्स हैं पूरे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ करे हैं। फिर ये महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूएंसी को फिर उन्होंने इलेक्ट हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उन्हें दोबारा जीतेंगे तो इंशाल्लाह इससे डबल ट्रिपल काम होंगे। हमारे को सबिता इंदारेड्डी पर यकीन है और कांग्रेस पार्टी पर यकीन है। हम काम करके बताने वाले हैं, पब्लिक में रहने वाले हैं और पब्लिक को काम करेंगे। और पहाड़ी शरीफ के अंदर जो काम ओन हाउसिंग इंद्रम्मा घरां हाउसिंग पट्टे रोड ड्रेनेज ट्रांसफार्मर्स पोल्स जितने भी काम हुए आप लोगों के सामने हैं, फिर एक बार तुम लोग हमारे बम्पर मेजॉरिटी से हमारे कैंडिडेट्स को यास्मीन बेगम और अब्दुल्ला बिन अवद, तो मेरे को पूछने की शख्सियत जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे नौजवान साथिया मेरे अम्मा भाई ना माँ भाई ना पूरे जने मेरे मालूम है मैं क्या कर सकता हूँ उनके। इंशाल्लाह तुम लोग एक दो वोट कांग्रेस को मारकर ZPTC को और MPTC को तो आप लोगों का वोट जाया ना करो। मैं तुम लोग अपील करता हूँ, मैं तुम्हारे घर घर पहुँचे काम करूँगा। इंशाल्लाह जो काम नहीं हुए माँ भाई काम वो काम पूरे कर डालूंगा। तुम लोगों का 5 साल में एक बार आके देखने वाले वोट मिलने वाले नहीं है। 24 घंटे तुम्हारे पास रहने वाले हैं, 24 घंटे तुम्हारे पीछे रहने वाले हैं, गरीब आवाम के साथ रहने वाले हैं, दुख सुख में रहने वाले हैं। इंशाल्लाह तुम्हारे साथ हम काम करेंगे और काम करते बताएंगे इंशाल्लाह तुम्हारे को। ये वादा है जो काम परसों में हुआ फिर हम ये 5 साल में करके बताएंगे। एयरपोर्ट के खदीब इंटरनेशनल स्कूल इंटरनेशनल रोड पहाड़ी शरीफ से लेकर राउंड तक जो हालत थी आज खुबा कलोनी के अंदर खबरस्तान, पहाड़ी शरीफ के अंदर खबरस्तान, फॉरेस्ट के अंदर खबरस्तान, ये सब खबरस्तानों के लिए भी हम अल्हम्दुलिल्लाह 25 करोड़ का जो है हम जमीन हासिल करे हैं कब्रस्तानों के लिए। बहुत बड़ा कारनामा है, आज हैदराबाद का कारनामा है, ये करके बता दूंगा इंशाल्लाह देखेंगे। और हम पूरे कब्रस्तानों को भी फैंसी होंगी, वादी होता जो जलपली में जो जमीन दी उसको भी फैंसी होंगी, आज ये फॉरेस्ट की जमीन के 5 एकड़ वही फैंसी होंगी, पहाड़ी शरीफ ईदगाह के पास में वही फैंसी होंगी। इंशाल्लाह तुम्हारे हम हिंदू मुसलमान पहाड़ी शरीफ के मेरे 2 आंख हैं, 2 आंख को इंशाल्लाह तकलीफ होने दूंगा। खुदा हाफिज़।